नमस्कार, मेरा नाम है जी कुसुम भाई। मैं सेक्टर 45 बड़ैल की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सोशल वर्क कर रही हूँ पिछले 18 साल से। मेरे को संडे को इस बार को पता चल रहा है जी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नाला टूटा है। तो आकर जिस टाइम मैंने देखा तो यहाँ पे 2 पोल गिरे हुए थे जी इसमें, और आगे वाला भी काफ़ी टूट चुका था जो मस्जिद के साथ में है। वहाँ पे एक सरकारी साइकिल है, स्मार्ट बाइक वगैरह है, वो भी उसका स्टेशन आधा नीचे गिरा हुआ था। काफ़ी बड़ा होल हुआ था और काफ़ी डैमेज हो चुका था। एक तो ये 33-45 की लाइट के पास और दूसरा ये मस्जिद के साथ में। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन संडे होने के कारण स्कूल बंद था, लेकिन अगर स्कूल खुला होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को लेने वाले और छोड़ने वाले माँ बाप वहीं पर खड़े होते हैं ज़्यादातर। और वहाँ से साइकिल ट्रैक से भी बच्चे जाते हैं, साइकिल ट्रैक से जो स्मार्ट बाइक खड़ी थी उसको भी लोग लेकर जाते हैं, ओपन करते हैं। स्मार्ट बाइक का तो जो स्टेशन था वो बीच में बह गया है आधे से जमा। तो सर ये कई जगह हो रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने कंप्लेंट किया था इसका 45 के चौंक के साथ, कम से कम मेरे को 1 महीना बाद कंप्लेंट करना पड़ा। वो भी काफ़ी गहरा खड्डा था, उसको आज ही भरा गया है। और एक 34 के स्टॉपेज बस स्टॉप के साथ में है, वो भी बहुत छोटा था, जब बहुत बड़ा हो गया है अब वो भी वहाँ पे लेबर नहीं लगा हुआ, कितना काम हुआ मुझे नहीं पता। और 34 के बस स्टॉप के साथ जो खड्डा है वहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। सबसे पहले तो जी प्रशासन से मैं ये अपील करूँगी कि जहाँ भी कोई खड्डे वगैरह नज़र आते हैं या जहाँ पर कोई सीवरेज डैमेज होती है या कुछ भी है, दरख्त गिरता है रोड पे कुछ भी है जी, वहाँ पे सब लोगों को मिलकर एक बार बैरिकेडिंग जरूर करवा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो काम करेगा प्रशासन ही करेगा, हमें पब्लिक की हेल्प भी चाहिए। बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिस दिन मेरे को संडे को ही पता चला जी, तब भी उस टाइम कोई बैरिकेडिंग करा के कोई भी डिपार्टमेंट कोई बैरिकेडिंग नहीं करा कर गया। मैंने कम से कम 20 फोन तो किए जी ट्रैफिक वालों को, तो वहाँ से कोई लगभग 4:30-5 के बीच में बैरिकेडिंग आई। एक बजे से फ़ोन कॉल करनी शुरू कर दी थी मैंने, जिस टाइम बैरिकेड आए उसके बाद मैं बैरिकेडिंग करा के घर पे गई हूँ जी। पर लेकिन ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कल 33-34 की लाइट के पास भी सेंटर में मेन ऑन दी रोड मेन रोड पे बिल्कुल बीच में खड्डा हुआ है। तो लेकिन प्रशासन का धन्यवाद करूँगी कि वहाँ पे जल्दी एक्शन ले लिया गया। आज वहाँ पे जो भी थे कर्मचारियों ने आकर देखा और वहाँ पे उसका क्रेन के साथ देखा गया कि किस चीज़ से डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे शायद कल से काम चालू हो जाए। और एक प्रशासन से और अपील करना चाहूँगी कि जो दरख्त हैं हमारे चंडीगढ़ में उनके साथ से भी जो सीवरेज की लाइन्स जा रही हैं, सारे जितने भी दरख्त डैमेज हो रहे हैं जी, जितने भी कर रहे हैं वो सारे सीवरेज के कारण ही हो रहे हैं। 33 में ट्रैच के साथ में जो दरख्त है वो भी सारा काफ़ी बड़ा खड्डा हो चुका है, वो भी इसी कारण है जी, उसके पास भी मेन होल है। और इधर में 45 ए की बैक साइड में भी 2 दरख्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो वो भी उनके पास में भी मेन होल है। प्लीज़ इस तरफ ध्यान दिया जाए कि इतने पालने में इतना टाइम लग जाता है, ये दरख्त कितने 15-20 सालों में इतना बड़ा होता है, कम से कम दरख्तों की केयर की जाए। और अगर ये ऐसे गिर जाएंगे तो जान माल का नुकसान भी होगा, किसी के ऊपर भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। सर ये यहाँ पर सर ये गड्ढा बना है, इसको लगभग 15 दिन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे कोई हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए इसका प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ना यहाँ बैरिकेडिंग कराती, कोई यहाँ पे कोई हादसा हो गया फिर क्या फ़ायदा। ज़रूरी है कि यहाँ बैरिकेडिंग करें और इधर प्रशासन इस पर ध्यान दे, इसकी भरे इसको कुछ भी करे, जल्द से जल्द करे। इनकी वजह से यहाँ ये जो मिट्टी है वो खाली हो चुकी है, जिससे जो ये पेड़ है कभी भी गिर सकता है। और कल ही यहाँ सेक्टर 33 में एक पेड़ गिरा था, तो इसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इससे कभी भी गिर सकता है पेड़ और चोट भी लग सकती है किसी को, तो हमें ध्यान देना चाहिए चंडीगढ़ प्रशासन।